दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल अफजल व्लॉग में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप बाकी की सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। आप जो भी कुछ खाते हैं अपनी लाइफ में, अपने घर में, हम जो बाहर स्टोर से, दुकानों से लेकर आते हैं, वो कितने प्योर होते हैं ये आपको मुझे नहीं पता। हम जो ऑयल खाते हैं या हम जो दाल खाते हैं, जो राइस खाते हैं, वो कितना प्योर है वो हमें नहीं पता। लेकिन मैं आपको जिस स्टोर में आज लेकर आया हूँ वो आप देख सकते हैं। ये स्टोर है, यहाँ पर एक प्रोसेसिंग मशीन है जिसमें डायरेक्टली जैसे कि पीनट हो, बादाम हो या कोकोनट हो, इनका ऑयल आपके सामने प्योर तरीके से, कच्ची दानी जो ओरिजिनल नेचुरली तरीका पहले ज़माने में होता था उसी तरीके से आपके सामने निकाल कर यहाँ पर सेल किया जाता है। तो इस स्टोर के जो ओनर हैं उनसे मैं मिलाऊंगा आपको, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे अबाउट द ऑल द प्रोडक्ट्स एंड द प्राइजेस, यानी उसके दाम और आपकी हेल्थ से कितना जुड़ा है ये स्टोर में, बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको इनसे पता चलेगी। दोस्तों, इस स्टोर का नाम है अनटच्ड और इस स्टोर के जो ओनर है आयुष भाई, जो आपको सारी चीज़ें इनके बारे में बता रहे हैं। और इसका एड्रेस जो है ये मुंबई के मलाड में है, एवरशाइन नगर में, जो मलाड वेस्ट में है। चलिए आयुष भाई से मिलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। ये है आयुष भाई जो इस स्टोर के ओनर है, ऑर्गेनिक स्टोर के। सर, आप जरा बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक चीज़ें बाहर के जो प्रोडक्ट मिलते हैं, हम लोग डेली रूटीन में खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे कितने अलग हैं? सो बेसिकली जो अपन जनरल स्टोर्स में सामान खरीदते हैं, सो वो सारे के सारे पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स से बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है ना, वो होती है जैसे पुराने टाइम पे जैसे की जाती थी, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, जब ये सब केमिकल्स और ये सब नहीं थे। सो अगर आप नोटिस करेंगे पिछले 25 सालों में बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ आई हैं। सो ये अपने खाने पीने की वजह से ही आई है। बिल्कुल। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये होता है कोई तरीके का केमिकल्स, पेस्टिसाइड जैसे नहीं होता है। अगर यूज भी होगा तो वो 100% नेचुरल ही होगा। Okay. यानी मिलावट किसी भी तरीके नहीं होती, नहीं होती। जो भी होता है नेचुरल तरीके से होता है। तो आयुष भाई, कुछ प्रोडक्ट दिखाइए हमको पहले तो, जो नेचुरल में हम लोग रेगुलर तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे कोई ऑयल बता दीजिए। डेफिनेटली। सो हमने अभी है ना, जैसे रिसेंटली है ना, ये एक कोल्ड प्रेस मशीन सेटअप किया है जिससे हम है ना प्योर ऑर्गेनिक ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हम है ना सीड्स कस्टमर्स से भी लेकर के हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम खुद भी है ना प्योर अच्छे क्वालिटी के सीड्स हम यूज़ करते हैं। सो इससे क्या होता है कि जो ऑयल निकलता है, दिस इज 100% प्योर नेचुरल अनफिल्टर्ड, लाइक इसमें कोई तरीके का एक्स्ट्रा फिल्टरेशन नहीं है। हम एक बस सिंगल छन्नी से फिल्टर करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमने एक छन्नी रखी हुई है। यानी कि नॉर्मल तरीके से अगर मैं बताऊं तो, जैसे कि अगर आप पीनट है तो डायरेक्टली आपने पीनट डाला और उसका जो ऑयल डायरेक्टली यहाँ से निकला, एकदम नेचुरल, सिर्फ किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, वो ही आप जो कस्टमर को सेल करने वाले हैं, तो यानी एकदम प्योर होगा भाई ये। ठीक है सर, तो इसको हम करते हुए देख सकते हैं, अभी आपको कुछ दिखा सकते हैं। आज हम ग्राउंडनट क्रश करने वाले हैं, आज ग्राउंडनट पीनट ऑयल, जैसे मूंगफली का भी तेल कहा जाता है, तो हम वो वाला आज एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं एक बैच। ये देखिए, ये पीनट्स यहाँ पर रखी हुई हैं, इन सारी पीनट्स को अभी ये इसका ऑयल निकालने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली इसे देखेंगे। और कुछ और चीज़ें हैं जैसे प्रोडक्ट हम कुछ खाते हैं, हाँ, तो वो उसके कुछ प्राइजेस वगैरह भी अभी। चलिए ठीक है, एक चीज़ सबसे पहले कि ये पीनट का ऑयल ही है आपने निकाला हुआ है, तो इसका प्राइजेस क्या होने वाला है? सो बेसिकली कैसा है कि है ना, हमारे प्राइजेस सब अलग अलग रेंज में रहते हैं। जैसे पीनट ऑयल, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, तो ये प्योर कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्टेड है। सो ये करंटली 450 रुपीज़ लीटर हमारे यहाँ पे आता है। ओके। तो हमारे यहाँ पे एक और स्कीम भी है, जैसे क्या होता है, कुछ कुछ लोगों को है ना थोड़ा सस्ता भी चाहिए होता है, क्योंकि आज प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम कस्टमर्स के लिए एक और कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं जो विद इन अ वीक हमारा लॉन्च हो जाएगा। सो उसमें क्या होगा, उनको एक 10 लीटर या 5 लीटर के लिए पहले से पे करना है, वो पूरे लाइफ में भले आधे आधे लीटर, एक एक लीटर के टुकड़ों में जैसे चाहिए जब चाहिए ऑयल ले सकते। अच्छा। तो उनको वो प्राइसिंग समझ लीजिए अराउंड 420-400 रुपीज़ तक में आ जाएगा। ओके। तो 400 रुपये का वो पेमेंट आज कर देंगे, फिर लाइफ में जब जब चाहिए एक एक लीटर का हिसाब से मंगाते रहिए। ओके। तो मतलब उन्होंने पहले ही बुक कर दिया, पहले ही बुक कर दिया। और कल हमारे प्राइसेस भी बढ़ गए, क्योंकि कोकोनट के प्राइसेस बढ़ गए मार्केट में, कुछ भी होता है। हमने 500 भी कर दिया ना, तो भी उनको वही प्राइस में मिलेगा, वही प्राइस मिलेगा। जैसे कि ये होलसेल का ही तरह क्या हो गया कि बल्क में अगर एक बार ले लिया, पहले बुक कर दिया, पहले छोटे में ले लो, आपकी खपत छोटी है छोटे में ले लो, आपकी फैमिली बड़ी है एक साथ में पूरा ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है, वो चॉइस है। तो थोड़ा सा रेट आपको दोस्तों लग सकता है कि ज्यादा है,
लेकिन प्योरिटी के लिए रेट कोई मायने नहीं रखता, मुझे ऐसा लगता है। तो रेट का कोई टेंशन नहीं है। अभी कुछ फूड जो हम खा रहे हैं जैसे दाल है, चीजें, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो हमारे पास में ना आपको है ना पूरे रेंज ऑफ सारी तरीके की दालें मिल जाएगी। मूंग दाल स्प्लिट, येलो दाल, रेड मसूर दाल, फिर ग्रीन मूंग, मिक्स दाल, मतलब ये पूरा रेंज है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मर से ही लिए गए हैं, केमिकल फ्री हैं। सो आप कहेंगे कि है ना इसमें और मैं मार्केट से हर रोज जो खरीद ही रहा हूँ उसमें क्या अंतर है, मैं क्यों आपको मैं 200 रुपये का एक किलो खरीदूं जब मुझे ना यही चीज़ 120 रुपये में या 140 रुपये किलो में मिलने ही वाली है। right. तो मैं क्यों 60 रुपये भी ज़्यादा दूँ। तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है, हमारे यहाँ से एक छोटा सा पैकेट लीजिए, वो वाला दाल भी लीजिए, दोनों साथ में सेम तरीकों से कुक करके देख लीजिए, आपको टेस्ट में क्वालिटी में वो एक बार में पता चलेगा कि आपको केमिकल से पकाए हुए की क्या टेस्ट आती है, कैसा पकता है, कितना टाइम लगता है कुकिंग में और इसको कितना टाइम लग रहा है। सो वो एक क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल अपन इतना हेल्थ के लिए कर ही सकते हैं। तो आपके कुछ प्राइसेस मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। यस। सो डेफिनेटली हमारे पास में अभी जैसे ग्रीन मूंग दाल स्प्लिट है ये 200 रुपीज किलो है जी, येलो मूंग दाल है ये 220 रुपीज किलो है, मसूर दाल है ये भी 220 है, तुअर दाल 220 रुपीज किलो है, चना दाल 100 रुपीज किलो है, फिर मूंग होल ये 210 रुपए किलो आ जाएगा। सारे के सारा जो है ये ऑर्गेनिक होने वाला है। yes, बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो उगाए गए हैं, समझ लीजिए वैसे वाले 100%। हमारे सारे के सारे जो भी वेंडर्स हैं जिनसे हम ले रहे हैं सब ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, उनके पास में सारे सर्टिफिकेशन है, हम उनसे टाइमली सर्टिफिकेट के अपडेट भी मांगते रहते हैं कि उनके उसमें क्या है, लिस्ट हमारे पास में आती रहती है तो हम वो चेक रखते हैं। तो मुझे अभी 2-3 चीजें और जाननी थी कि जैसे एलमंड ऑयल है, बादाम का तेल जो होता है उसका प्राइसिंग क्या है आपके, क्योंकि कच्ची दारी में नेचुरल तरीके से निकाला गया होगा, अब नॉर्मली बाहर से डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा होगा ही। yes. क्या है लेकिन हमारे व्यूअर्स को, 300 रुपीज का हमारा 100 ml की पैकेजिंग आती है, ये हमारा ऑयल है प्योर वुड प्रेस्ड एलमंड ऑयल। तो इसमें अभी क्या होगा ना, अगर आप है ना मार्केट में सींग खरीदने भी, अभी जैसे कोई भी चीज खरीदने आते हैं, सींग खरीदने जाते हैं, कुछ भी है, इनमें क्वालिटीज होती है। okay. तो जैसे बादाम भी खरीदने जाते हैं ना तो आपको तो पता भी नहीं होगा कि है ना 300 रुपए किलो में भी बादाम आता है। पर वो ऐसा बादाम होगा ना कि आपको देख करके भी पसंद नहीं आएगा, आप बोलेंगे यार ये कैसे कोई खा सकता है, कैसे खा सकता है। बट आप जाइए होलसेल मार्केट में, आप उधर पूछिए, आपको पता चलेगा काफी सारे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने वाले वो बादाम लेके जाते हैं एंड उसमें आप देख या बोलेंगे कि यार ये मतलब खाना कैसे खा सकते, छू भी नहीं सकते, इसको कैसे यूज करते हैं और उसका बनाकर वो लोग ऑयल दे देते हैं, क्यों सस्ते में होता है ये सारी चीजें, बाहर सस्ते में कैसे आ सकती है। एलमंड भी 3000 रुपए किलो तक प्योर एलमंड भी आता है, तो हमने जो इस्तेमाल किया है ये हमने लगभग कुछ 800 रुपीज के आसपास का एलमंड था हमारा और उससे ये एक्सट्रैक्टेड ऑयल है। यस, तो यानी पर लीटर, लीटर के हिसाब से अगर देखें तो अगर कोई पर लीटर लेना चाहेगा तो ये उनको 2700 में पड़ेगा, 2700 के आसपास में एलमंड ऑयल पड़ेगा। उसके अलावा इनके पास में ये देख लीजिए ब्लैक मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट यानी के अपने खोपरे का तेल, ब्लैक सीसम, वाइट सीसम, यानी हर तरह के पीनट का तो अभी हम जस्ट देखने ही वाले हैं जो इसका जो प्रोसेस कैसे होता है डायरेक्टली। अचार वगैरह भी दिखे हैं मुझे, थोड़ा इसके बारे में भी जानूं मैं कि ऑर्गेनिक अचार, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑर्गेनिक अचार है, इनके ऑर्गेनिक फार्म से होगा, इसकी एमआरपी है 200 रुपीज। तो अचार का क्या ऑर्गेनिक मींस, इसके अंदर में भी जो इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, अभी आप मतलब अचार के अंदर सबसे मेन होता है ऑयल, तो अगर ऑयल ही अगर आपका इम्प्योर है तो अचार तो टेस्टी बनी जाएगा मसालों से। आयुष भाई मेरे को ये चीज बताइए कि अगर मैं पहली बार आया हूँ स्टोर में तो मुझे क्या यूज करना चाहिए पहली बार, क्योंकि ऑर्गेनिक के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। देखिए अभी जैसे आप आज पहली बार आए हैं, वैसे कई कस्टमर आते हैं हाँ। तो हम कहते हैं कि है ना तुम सब कुछ एक दिन में तो ऑर्गेनिक नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आप धीरे धीरे स्विच कीजिए, आप वो चीजें इस्तेमाल कीजिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है आपके घरों में। Okay. जैसे कि नमक और चीनी, नमक और चीनी में बहुत केमिकल डलते हैं अलग अलग, क्योंकि ये नेचुरली वाइट होते नहीं है, इन्हें कलर से सफेद किया जाता है और ये हेल्दी भी नहीं होता है। सो हम सबसे पहले सजेस्ट करते हैं आप अपने ना नमक को चेंज करके हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज कीजिए जो हमारे यहाँ पे प्योर आता है। हिमालयन पिंक सॉल्ट है,
इसका MRP है 110 रुपया, देखने में भी बहुत प्योर दिख रहा है ऐसे ही। और ये आपके नॉर्मल जैसे आप टाटा नमक या कोई भी नमक ले रहे हैं मार्केट से, तो उसके कंपेयर में ये कम यूज होता है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा टेस्ट में भी अच्छा से नमकीन है ये इसका, यानी कि हम थोड़ा सा भी इसको यूज करेंगे तो आपको वो टेस्ट आ जाएगा बाहर के जो नॉर्मली नमक को ज्यादा डालने पर डालना उससे भी। ठीक है, नमक हो गया, अब शुगर है तो हमारे पास में प्योर खानसारी शुगर मिलता है जो इसमें कोई कलर नहीं है। और हम समझते हैं कि भाई जितना प्योर सफेद दिखेगा वो ही अच्छी है, क्योंकि सफेद तो कभी चीनी ऐसे कहाँ से निकलेगी, शुगर केन से बनती है। बिल्कुल, शुगर केन से जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा उनका जो कलर है वो तो जैसे कि गुड़ निकलता है काला ब्राउन, तो चीनी भी वैसी होती है, तो व्हाइट उसको किया जाता है। तो भाई देखो कितनी सारी चीजें आपको पता चल रही है, आपके हेल्थ से रिलेटेड है ये सब चीजें, तो वीडियो को पूरा देखना। और साथ में हम सजेस्ट करते हैं अगर आप और चीनी छोड़ सकते हैं तो जागरी पाउडर ले लीजिए, गुड़ का पाउडर ओके। ये आप हर चाय में किसी भी चीज में मिला करके इसको ले सकते हैं। 75 रुपीज का है ये और बहुत ही प्योर देखने में ही, यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही प्योर दिख रही है और आपको सारी चीज मिलेगी, यानी शक्कर, नमक, राइस, दाल, अचार देख लिया, ऑयल्स देख लिया आपने, यानी सारी चीजें। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर मैं तो अपने वीडियो में आपको नंबर दे दूंगा यहाँ का, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आयुष भाई से पूछ सकते हैं कि ये कब, जैसे कि मुझे आलमंड ऑयल चाहिए और मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, तो ये बता देंगे कि कब हम बादाम का ऑयल निकाल रहे हैं, वो आप तुरंत उस टाइम पे आइए, देखिए निकलता हुआ, फिर परचेज कीजिए प्योर नेचुरल। सेम इसी तरह से खोपरे का तेल, जैसे कि ये देखिए कोकोनट ऑयल या बाकी जो भी तेल है, ये सब अब अपनी आंखों से देखकर परचेज कर सकते हैं, राइट आयुष भाई? डेफिनेटली। और इसमें जो तीसरा प्रोडक्ट है जो हम स्विच करने को कहते हैं वो है ऑयल्स, क्योंकि यही आपके खाने में सबसे ज्यादा डलता है, चीनी, नमक और ऑयल। तो हम तीसरी चीज ऑयल सजेस्ट करते हैं। इनके जो प्राइसिंग है जो सबको महंगे लगते हैं ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, इसी बात है। हम जो नॉर्मली दुकानों से ऑयल ले रहे हैं, सनफ्लावर ऑयल है, ये है, वो है, रिफाइंड ऑयल है, ये आप जितना यूज करते हैं ये ऑयल्स उससे आधे ही आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब यानी कि आप कोई सब्जी बनाते हैं उसमें आप जितना भी ऑयल अभी यूज कर रहे हैं उससे आधा यूज करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली रेट भी कम हो जाएंगे, आपके हेल्थ को भी अच्छा है। 100%। तो अभी एक चीज और मुझे पास जाननी है घी के बारे में, घी का कैसा है यहाँ पर? सो बेसिकली हमारे पास में ना प्योर A2 देसी काउ घी मिलता है जो बिलोना मेथड से, वैदिक मेथड से है ना चर्न किया जाता है। ओके, तो क्या होता है कि है ना यहाँ पे मार्केट में आपको घी मेरे हिसाब से मिल जाता है 600 रुपए किलो, 700 रुपए किलो। सो वो होता है जनरली बफेलो मिल्क या तो फिर काउ मिल्क भी होता है ना, तो जर्सी काउज का होता है। सो जर्सी काउज जो होती है यहाँ पे पलती है तो उनको इंजेक्ट किया जाता है उनके लिए ताकि ज्यादा दूध दिया जाए। अच्छा, और ये जो होती है ये A2 देसी काउ घी होती है जो प्रॉपर गांव की गाय होती है। अगर आप देखेंगे जर्सी काउ के ना बैक पे हम्प नहीं होता है, जिसके बैक पे हम्प होता है वो प्योर देसी काउ होती है। तो उनका जो मिल्क होता है वो A2 वेरियंट का मिल्क होता है, जिसका मिल्क भी अच्छा होता है और उससे जो घी निकलता है इट इज वेरी प्योर। हम सैंपल भी रखते हैं, यानी आप टेस्ट भी कर सकते हैं कुछ चीजें, अगर आपको लगती है कि भाई टेस्ट करना है तो आप टेस्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं जो घर पे यूज कर रहा हूँ उसका टेस्ट और इसका टेस्ट में अगर आपको फर्क लगे तो आप परचेज कीजिए। बिल्कुल सही, 100%। ठीक, इसका प्राइस क्या हुआ है? करंटली हमारा ये 1700 रुपीज किलो का है। ओके, और इसमें छोटा वाला हाफ किलो भी हम रखते हैं, ये 975 का। देखिए कॉस्ट आपको लगेगा कि ज्यादा है, लेकिन जैसे मैंने बताया आप यूज उतना नहीं करेंगे हर चीज में, आप हाफ यूज करेंगे लेकिन प्योर यूज करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पीनट से नेचुरली ये कच्ची दानी जो ये लकड़ा होता है इससे पीस के, अंदर एक स्टोन होता है उससे पीस के कैसे इसका नेचुरल ऑयल निकलेगा बिना किसी मिलावट के, अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ।
देखा आपने किस तरह से इस चकिंग मशीन से नेचुरल तरीके से पीनट का ऑयल निकला, यानी सिंग का तेल निकला, तो इतना ही नेचुरल तरीके से आप सबको यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। और इसका जो एड्रेस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फ़ोन नंबर भी, आप कॉल करके कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही हेल्दी व्लॉग्स आपके लिए आगे भी आने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अफजल व्लॉग में। कीप वॉचिंग अफजल व्लॉग।